के गांव शेरगढ़ में आज गुमान निवास पर हुई किसानों की बैठक में गंभीर नदी में पानी छोड़े जाने व किसानों को पर्याप्त बिजली और रासायनिक खाद आदि उपलब्ध कराए जाने सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई तथा उनकी मांगों पर शीघ्र गौर नहीं फरमाए जाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। बुजुर्ग किसान लच्छीराम की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना, किसान नेता भूरा भगत सहित अन्य कई पंच, सरपंच व भाजपा नेताओं ने भी भाग लिया। बैठक में किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए आने वाले लोगों ने गंभीर नदी में पानी लाने, जगह जगह एनकिट बनवाने सहित अन्य लुभावने वादे करते हुए जनता को सपने दिखाए थे, लेकिन किसी ने भी अपने वादे पूरे नहीं किए। अब चुनाव का समय निकट आने के साथ फिर ऐसे नेता एक बार फिर से अब ऐसी नाकाम कोशिशें करने लगे हैं, लेकिन जनता उन्हें समझ चुकी है, जो अब उनके लुभावने वादों और सपनों के बहकावे में नहीं आने वाली। उन्होंने गंभीर नदी में पांचना बांध से पानी छोड़ने जाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो जन आंदोलन करने की भी बात कही। क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, भूरा भगत जी, बैरोदाबाड़े सरपंच साहब, इनके संग में दीवान, इनके संग में दीसान बस्ती साहब, हमारे MLA साहब, विधायक जी बेसला साहब, इनके साथ में जयपुर दिल्ली सब रहे आते जाते। मतलब हमारे नेहरा क्षेत्र में, डांग क्षेत्र में इतनी एक नेता की भी कमजोर है कि मतलब मैं अकेला डोल रहा हूँ तो अकेला डोल लूँ, कोई साथ ना दे और ना कोई कोई बात हो तो बननी। आज सरकार और हमारे मंत्री MLA, कोई की सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो चाहे BJP की हो, जब हम मजबूत होंगे जनता जनार्दन है, ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, अगर हम में ताकत है तो हम जो चाहें जो कर सके। आज के ज़माने में कोई सरकार हो कोई नेतागिरी सब ठप्प है कि अपना जूता होए, अपना वो आधार बना के रखे, अपनी एकता बना रखे। सब हमारे चला रहे हैं पानी के बारे में, जो हमारी जो नेहरा क्षेत्र और हमारी जो हमारा क्षेत्र है डांग क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र पानी की वजह से बहुत परेशान है और अब तो हमारे यहाँ पीने के लिए भी पानी नहीं है और सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए तो अब हमारे यहाँ से ये पानी है जो जल स्तर गिरता जा रहा है, पान पान से हाथ पर भी, पान पान से फुट पर भी पानी नहीं है। असल में भोग रास्ता उतरा है, मन सबके ठीक है, ताकत सब में है, इकट्ठे होकर जोर लग जाए तो परिणाम निश्चित तौर से आप सबके मन में है, आप सब सक्षम है और जितना मेरे को सामाजिक या राजनीतिक ज्ञान है। आज की जो मीटिंग हुई है वो पांचना का पानी गंभीर नदी में आना चाहिए और वो पांचना नाम तो बाद में पड़ा है, पहले ये पानी गंभीर नदी का था और पांचना बांध रुकने के बाद में जो नदी के किनारे के गांव हैं वहाँ एक तरह से रेगिस्तान जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं, वाटर लेवल 150 और 200 फुट नीचे गया, पानी की स्थिति बहुत ख़राब है, पशु पक्षी और किसान को सिंचाई के लिए पानी नहीं है और ये पानी जो बयाना के भरतपुर के जो हक का पानी है वो पानी हम लेकर के रहेंगे, हमको किसी भी हद तक जाना पड़े हम बयाना भरतपुर का जो हक का पानी है वो गंभीर नदी में आना चाहिए। और मैं आज ग्राम शेरगढ़ में गंभीर नदी में पानी के बारे में लोग जो एकत्रित हुए 400-500 की संख्या में, आगे की हमने रणनीति बनाई, अब हम आगे जो आंदोलन करेंगे वो बिजली पे और खाद पे करेंगे। और मैं माननीय विधायक साहब से कहना चाहता हूं कि वो सरकार का विधायक है, यहाँ जितनी कालाबाजी आ रही है और जितनी यहाँ चोर बाजारी हो रही है बयाना में, उसका जिम्मेदार हमारा विधायक है ना, तो विधायक कोई इन पे कार्रवाई करवाता है। मेरी माननीय विधायक जी से निवेदन है कि यहाँ बयाने की जनता ने आपको चुन करके विधायक बनाया है, इनकी समस्या को, किसानों की फसल सूख रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, DAP का
कट्टा 2000 का मिल रहा है, यूरिया का कट्टा 350 और 400 का मिल रहा है। ये विधायक वोटों को लेकर के अपने अपने घर में सो रहा है, अपने मतलब यह स्वार्थ की राजनीति कर रहा है। मैं माननीय विधायक साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि इन गरीब किसानों की समस्या को हल करवाएं, नहीं तो हम यहां बहुत बड़ा बयानामे आंदोलन करेंगे।